का रोजगार का क्या पैमाना है मैं नहीं जानता हूँ। अपहरण का रोजगार उन्होंने शुरू किया था, नरसंहार का रोजगार उन्होंने शुरू किया था उनके रीजन में। पूरी दहशत था हर गांव के अंदर, नौजवानों को अपराध की ओर उन्होंने प्रशिक्षण के लिए एक गैंगवार व्यवस्था बनाया था, समाज के अंदर नफरत पैदा उन्होंने किया था। इस तरह की रोजगार बिहार को नहीं चाहिए। आज बिहार के अंदर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी द्वारा जो रोजगार शुरू किया है कि हम हुनरमंद बना करके कौशल विकास का डेवलपमेंट कर करके आज उनको रोजगार मेला में बुला रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं और लोग देख रहा है। और उससे भी बड़ी बात हो रही है कि मुद्रा योजना के माध्यम से 5 लाख से 25 लाख रुपया हम लोग नौजवानों को देके स्वरोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, जिसमें कई नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। आपने देखा है कि आईटीआई के अंदर अभी परीक्षा मेरे विभाग के अंदर हुआ है और हमने किस तरह के इस डिग्री लॉ डिग्री बेचने वाले पर कार्रवाई की है। आप ही के पेपर प्रेस मीडिया में आ रहा है, कई लोगों पर ललन वर्मा और कई लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है, उसकी गिरफ्तारी भी हो रही है। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और इस तरह के माफिया, इस तरह के प्रतिभा का हनन करने वाले लोग को बख्शा नहीं जाएगा पूरी।